भारत पाक के बीच 15 अक्टूबर को होने वाला वनडे वर्ल्ड कप मैच टल सकता है और इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। ज्यादा क्यों? क्योंकि इसमें BCCI तक इन्वॉल्व हो गई है। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को 15 अक्टूबर को होने वाले भारत पाकिस्तान मैच के कार्यक्रम में बदलाव करने की सलाह दी है। इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े देवेंद्र पांडे की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के सबसे हाई प्रोफाइल मैच वाले दिन नवरात्रि की शुरुआत होगी। इस दौरान पूरे गुजरात में गरबा नाइट्स का आयोजन किया जाएगा। ऐसे में सुरक्षा को लेकर खतरा हो सकता है। BCCI के एक अधिकारी ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि हमारे पास जो भी विकल्प हैं हम उन पर विचार कर रहे हैं, इसको लेकर भी जो निर्णय होगा वो जल्द ही लिया जाएगा। अधिकारी ने आगे कहा कि हमें सुरक्षा एजेंसियों ने बताया कि नवरात्रि के दौरान भारत बनाम पाकिस्तान जैसे हाई प्रोफाइल मैच के आयोजन से बचना चाहिए, क्योंकि इस दौरान हजारों फैंस अहमदाबाद पहुंचने की उम्मीद में हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 25 जुलाई की रात को BCCI सचिव जय शाह ने वर्ल्ड कप की मेजबानी करने वाले राज्य संघों को एक पत्र लिखा है, जिसमें उनसे 27 जुलाई को नई दिल्ली में एक बैठक में हिस्सा लेने की बात कही गई है। इस दौरान सदस्यों को अहमदाबाद के आसपास सुरक्षा चिंताओं से अवगत कराया जाएगा और मैच के लिए एक नई तारीख का भी ऐलान किया जा सकता है। दरअसल ICC द्वारा शेड्यूल जारी करने के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस बेसब्री से इस मैच का इंतजार कर रहे हैं। अहमदाबाद में दोनों टीम्स के बीच होने वाले इस मैच को लेकर फैंस अभी से होटल और फ्लाइट टिकट बुक कर रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो इस तारीख के आसपास कई होटल के दाम कई गुना बढ़ चुके हैं। ऐसे में तारीख में बदलाव से फैंस को बड़ा झटका लग सकता है। इतना ही नहीं, मैच देखने के लिए लोग आमतौर पर वेबसाइट से टिकट खरीदते हैं या स्टेडियम के बाहर लंबी लाइन में लगकर टिकट्स हासिल करते हैं, लेकिन इस मैच को लेकर क्रेज इस कदर है कि इस बार लंबी लाइन अहमदाबाद के अस्पतालों के बाहर भी लग रही है। अब आप सोचेंगे कि आखिर क्रिकेट मैच का अस्पताल से क्या कनेक्शन है? तो भाई कनेक्शन तो है और इसकी वजह भी काफी मजेदार है। लोगों की भारत बनाम पाकिस्तान मैच को लेकर दीवानगी इस कदर है कि अहमदाबाद में सारे होटल्स बुक होने के चलते और होटल के दाम आसमान छूने की वजह से लोग अस्पताल का रुख कर रहे हैं। लोग होटल की जगह अस्पताल में अपने ठहरने का इंतजाम कर रहे हैं। अस्पताल में फुल बॉडी चेकअप के लिए कई बुकिंग्स की गई हैं। चेकअप के साथ अस्पताल में पूरे पूरे रूम्स भी बुक किए गए हैं। ऐसी अधिकतर बुकिंग्स 15 अक्टूबर के ठीक पहले की हैं। अब इस अस्पताल वाले जुगाड़ की चर्चा हर ओर हो रही है, लेकिन अगर मैच रीशेड्यूल हुआ तो ये सारा जुगाड़ धरा का धरा रह जाएगा। खैर, चलते चलते वर्ल्ड कप शेड्यूल की बात कर लेते हैं। भारतीय टीम अपना पहला मुकाबला 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। ये मैच चेन्नई में खेला जाएगा, जबकि टीम इंडिया का दूसरा लीग मैच 11 अक्टूबर को अफगानिस्तान के खिलाफ खेला जाएगा। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच रविवार 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा, जबकि दो सेमीफाइनल मैच 15 और 16 नवंबर को खेले जाएंगे। दोनों सेमीफाइनल में एक रिजर्व डे होगा, जबकि सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान अपने अधिकतर मैच बैंगलोर और चेन्नई में खेलेगा, जबकि पाकिस्तानी टीम के कुछ मैच हैदराबाद और कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर खेले जाएंगे। पाकिस्तान के वर्ल्ड कप कैंपेन की बात करें तो वो इसकी शुरुआत 6 अक्टूबर को नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच से करेंगे। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। इस खबर पर क्या है आपकी राय में कॉमेंट सेक्शन बताएं। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी रविराज ने। मैंने हारिका यादव, देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया। पटना में 29 जुलाई की शाम 4 बजे जमेगा लल्लन टॉप अड्डा, कतई पढ़ाई वाला। हम होंगे और होंगे धांसू गुरुजी, मसलन अवध ओझा। अन अकेडमी और लल्लन टॉप आपके लिए अड्डा लेकर आ रहा है। अगर आप इसमें हिस्सेदार बनना चाहते हैं, UPSC कलेक्ट्री का ख्वाब पाले हैं या और भी जीवन से जुड़े कोई प्रश्न हैं तो आ जाइए, ये अवसर है हमारे और आपके संवाद का। बाकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक में मिल जाएगी।